नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं प्रदीप सक्सेना आपको के साथ। आइए नजर डालते हैं खास खबरों की। दौसा जिले के उपखंड लालसोट में मंदिर के लोकार्पण समारोह में गाजे बाजे के साथ निकाली गई कलश यात्रा। दौसा जिले के उपखंड लालसोट के गांव श्यामपुरा कला में महाशिवरात्रि पर गाजे बाजे से 1100 कलशों की गोपीनाथ मंदिर से बाग वाले बालाजी के महिला और पुरुषों ने शोभा यात्रा निकाली। मंदिर लोकार्पण समारोह के दौरान महिला और पुरुषों ने नाच गान कर भव्य जुलूस भी निकाला। ग्रामीणों ने बताया कि 12 गांवों ने मिलकर बाग वाले बालाजी श्यामपुरा कला में मंदिर निर्माण कार्य करवाया था, जिसकी लागत करीब 2.5 करोड़ रुपए लगी थी। मंदिर निर्माण कार्य पूरे होने पर शिवरात्रि के पावन पर्व पर मंदिर का लोकार्पण कर अखंड रामायण के पठन और 11 कुंडों का हवन किया जाएगा। कलश यात्रा के दौरान 5000 महिला और पुरुषों ने भाग लिया, जिनको प्रसादी का वितरण की गई। 12 गांवों की तरफ से शनिवार को 30,000 लोगों के प्रसादी वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। इस अवसर पर भगवान सहाय गुप्ता, रायमलपुरा एडवोकेट चंद्रभान सिंह, पूर्व सरपंच महेश जयमन, पूर्व सरपंच हीरालाल मीणा, पूर्व सरपंच कल्याण सहाय, रमेश शौकिया, रामकरण प्रजापत, वीरेंद्र सिंह सहित 12 गांव के महिला और पुरुष मौजूद रहे। राजधानी जयपुर में ऑपरेशन हाईवे के तहत 35वीं बड़ी कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप पर लूट का भंडाफोड़ किया गया। ऑपरेशन हाईवे के तहत जिला जयपुर ग्रामीण द्वारा 35वीं बड़ी कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेट्रोल पंप पर लूट किया। भांडाफोड़ गाड़ोता पेट्रोल पंप पर हुई लूट का खुलासा किया गया। पीड़ित सेल्समैन से निकला षड्यंत्रकार। लूटी गई संपूर्ण राशि को बरामद किया गया। वह घटना में काम में ली गई तीनों मोटरसाइकिल और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया। जिला पुलिस अध्यक्ष जयपुर ग्रामीण शंकर दत्त IPS ने आज जानकारी देते हुए सभी को यह सूचित किया। झालावाड़ में रसद विभाग की टोली ने आज कार्रवाई करते हुए 32 गैस सिलेंडर पकड़े। झालावाड़ शहर में शुक्रवार सुबह रसद विभाग की टोली ने कार्रवाई करते हुए 32 घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर कार्रवाई की। जिला रसद अधिकारी आलोक झरवाल ने बताया कि शहर में योगेश भाटिया के कब्जे से 19, जावेद से 9 गैस सिलेंडर मैं किए गए। मोटर और बस स्टैंड पर मनीष स्विफ्ट सेंटर से 4 गैस सिलेंडर भी जब्त किए गए। गौरतलब है कि विभाग को पिछले कई दिनों से इसकी कालाबाजारी की भनक थी, लेकिन अब जाकर विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए इन लोगों को पकड़ा। इस साल की यह पहली कार्रवाई सामने आई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।